ओम प्रकाश राजभर को। बिल्कुल, मैं तो ओम प्रकाश राजभर जी को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने यह सही निर्णय लिया। मुझे पता है कि समाजवादी पार्टी जब सपने दिखाती है तो एक सब्जबाग में लेकर चली गई थी उन्हें, और जब वो वहां पहुंचे तो उनको यह पता चला कि यह समाजवादी पार्टी पिछड़ों के साथ न्याय, तो छोड़िए हमेशा से ही जब भी यह सरकार में आई है तो पिछड़ों के साथ अन्याय करना, उनकी गाय भैंस खोलना, उनका मोटर खोलना, या पिछड़ों के साथ ही तो यह समाजवादी पार्टी करते आई है। तो यह ओम प्रकाश जी को कहीं ना कहीं समझ में यह बात आई और वहां आए हैं, उनका हम लोग खुले हाथों से स्वागत करते हैं। तो भाजपा जो है भारतीय स्वतंत्र पार्टी इंडिया में शामिल हो गई है, अब्बास अंसारी भी शामिल हो गए हैं, उनको कैसे लेंगी आप पार्टी में? हमारे दल में जो आता है उसकी मानसिकता हम लोग ठीक कर लेते हैं अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से ठीक। ये मानते हैं ना कि आपकी पार्टी में भी अपराधी शामिल हुए हैं? नहीं, हमारे पार्टी में अभी अपराधी तो शामिल हो ही नहीं सकते क्योंकि हमारे दल। तो अब्बास अंसारी क्या है? अब ये देखिए ऊपर का निर्णय है, और जरूर अभी जब तक साबित नहीं हो जाता है तब तक तो किसी को अपराधी कह देना बड़ी बात है। तो क्या अभी आप अब्बास अंसारी को कोई अपराधी नहीं मानती है? या मेरा व्यक्तिगत विचार कुछ और हो सकता है, परंतु व्यक्ति से ऊपर दल होता है, दल से ऊपर देश होता है। तो मुझे यह बिल्कुल पता है कि मेरा दल हमेशा भारत देश के प्रति समर्पित है, और किस तरह भारत को आगे बढ़ाया जाए, प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, उसकी वह चिंता करता है। तो निर्णय उन्होंने लिया है तो सोच समझ। तो लगता है आपको कि इस पर मैं टिप्पणी करना नहीं आपका व्यक्तिगत